हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बलकार अनखीला फिट मनजिंदर गुलछान के न्यू सॉन्ग थापियां का हिंदी मीनिंग मूवी फ्रॉम मूसा जाट। इस सॉन्ग का म्यूजिक किया है द केड ने और लिरिक्स लिखे हैं बब्बू ब्रार ने। तो चलिए गाइज वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सॉन्ग की पहली लाइन है, गुस्सा गबरू द सूरज नारदा ओ जट अणखिया वैरी नू वंगार दा। मतलब लड़के में गुस्सा इतना ज्यादा है कि सूरज को भी ठंडा कर दे। जट अनखी है, दुश्मन को चेतावनी देता है लड़की। अगली लाइन, ओ वैरी बाहों ताई हुंदे लाके लुक गए ने कुंडे ओ डरदा ना कोई बाहर निकले वे पिंड सुनसान हो गया। मतलब दुश्मन डर रहे हैं और अंदर शिप कर दरवाजे लॉक कर लिए हैं दुश्मनों ने। लड़की डर के मारे कोई बाहर नहीं निकलता, गांव सुनसान हो गया है पूरा। अगली लाइन, ओ सतज खलो के मारे थापियां पुत जट दा जवान हो गया। मतलब गांव की पंचायती जगह पर खड़ा होकर थापियां मार रहा है लड़का। लड़का जट का जवान हो गया है, मतलब कि जिस जगह पर गांव के सभी लोग उठते बैठते हैं उस जगह पर आज लड़का अकेला ही आकर थापियां मार रहा है। अगली लाइन, चक्की जीने जीने अत सेट कर दूगा मत जे मैं लिखा ना कढ़ाइया मैनू आखे ओना जट। मतलब जो लोग अपने आप में कुछ ज्यादा ही गुंडे बन रहे हैं उनको सेट कर देगा। अगर मैंने इनसे जमीन पर नाक से लकीरें ना खिंचवाई तो मुझे जट मत कहना। अगली लाइन, बाले मारदा है खून सिर चढ़िया जनून ओ आखदे सी जिनू कच्ची मिट्टी दा वे गबरू चट्टान हो गया। मतलब उबाले मार रहा है नया नया खून लड़के का और सिर पर चढ़ा है जुनून लड़के के जिसे कहते थे कि ये कच्ची मिट्टी का बना है पर लड़का तो चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। अगली लाइन, ओ सच्चे रब दिया ओट ताइयो आया कम लोट ओ मां ने मक्खन मलाइया ते खवाए ने खरोट। मतलब भगवान की कृपा है इसीलिए काम अच्छा चल रहा है। मां ने मक्खन मलाई मां ने घी और मलाई और अखरोट खिलाए हैं लड़के को। अगली लाइन, ओ शेर वर्गा दलेर कुट्टे वैरी घेर घेर ओ जड़ा तो ही पट पट सुटदा सच्ची ओ तूफान हो गया। मतलब शेर की तरह दलेर है, दुश्मनों को घेर घेर कर मारता है लड़का, जड़ों से ही उफाड़ देता है, सच में वो तो तूफान हो गया है। अगली लाइन, चौंदे सीगे दबकौना महंगा पै गया मत्था लौना ओ सानू मुड तो ही शौक पैर सप्पां ते टकौना। मतलब मुझे डराना चाहते थे वो पर उन्हें महंगा पड़ गया है मेरे से पंगा लेना। लड़की हमें तो शुरू से ही शौक है सांपों के ऊपर पैर रखने का, मतलब कि हमें तो शुरू से ही शौक है लड़ाइयां करने का। अगली लाइन, सीने पाड़े अख गहरी मुंडा कोबरे तो जहरी ओ बब्बू कड़ियाना सच आखदा मूसा जट पलवान हो गया। मतलब छाती फाड़ देती है गहरी आंखें लड़के की, लड़का कोबरे से भी ज्यादा जहरीला हो गया है। बब्बू कड़ियाने वाला सच कहता है कि मूसा जट पहलवान बन गया है।